बिग बॉस 13 खत्म होते ही पहली बार ब्रेकअप पर बोली आरती सिंह, अकेले पुरुष जिम्मेदार नहीं। बिग बॉस 13 में आने से पहले आरती सिंह और सिद्धार्थ शुक्ला के अफेयर की खबरें आईं। हालांकि शो के दौरान आरती ने ये साफ कहा कि सिर्फ दोस्त हैं। इतना ही नहीं, अपने बीते रिलेशनशिप के बारे में कुछ न कुछ कहती रही। वहीं शो खत्म होने के बाद आरती सिंह ने अपने रिलेशनशिप को लेकर खुलकर बात की। आरती सिंह ने ये बातें एक इंटरव्यू में कही। आरती ने स्पॉटिफाई वेबसाइट से इंटरव्यू में अपने रिश्ते को लेकर कई खुलासे किए। आरती ने कहा, मैं प्यार में पढ़ना चाहता हूं, लेकिन मैं प्यार में अपने आप को खुशकिस्मत नहीं मानती। मेरे रिलेशनशिप रहे हैं, लेकिन बात शादी तक नहीं पहुंची। इसलिए मुझे लगता है कि लव मैरिज मेरे लिए नहीं है। ब्रेकअप के लिए कौन जिम्मेदार था? जब आरती से ये पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं अकेले पुरुषों को जिम्मेदार नहीं कहूंगी, लड़कियों की भी गलती होती है। आरती ने आगे कहा, मैंने कई बार इमैच्योर बर्ताव किया है। कई बार ऐसी भी हुआ कि वो किसी और के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ गए, जबकि मैं उनका इंतजार करती रही। आरती ने अपने रिलेशनशिप और करियर को एक कॉम्बो तक बताया। आरती ने कहा, ये दोनों मेरे लिए किसी कॉम्बो जैसा था। मेरी लाइफ में कोई भी रिलेशनशिप अपने मुकाम तक पहुंचा और आपको पास काम भी नहीं है। आरती ने बिग बॉस के दौरान भी अपनी निजी जिंदगी पर बड़ा खुलासा किया था। आरती ने घर वालों को बताया था कि उनके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश हुई थी। हाल ही में आरती के भाई कृष्णा अभिषेक ने आरती के इस बयान पर प्रतिक्रिया दी। कृष्णा ने एक इंटरव्यू में कहा था, वो फ्लो में कुछ ज्यादा ही बोल गई थी, उस पर किसी भी तरीके की दुष्कर्म की कोशिश नहीं हुई थी, ऐसा होने वाला था, लेकिन वो लड़का भाग गया। उस पर FIR भी हुई थी, फिर उसका कोई अता पता नहीं था। पुलिस ने भी उसे ढूंढने की कोशिश की थी।